आज हम बनाएंगे केक। तो केक तो सभी का फेवरेट होता है, मगर घर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ, बड़ी आसानी से घर में केक बनकर तैयार हो जाएगा। और हमें इसके लिए बाजार से कुछ नहीं लाना, घर की ही चीजों से ये बनकर तैयार हो जाएगा। हम बनाएंगे इसे बिना अंडे के, बिना बटर के, बिना मोल्ड के और बिना ओवन के। हम बनाएंगे इसे इडली स्टैंड में। उसके लिए मैंने यह एक कप की सीमित चीनी ले ली है। तो मैंने मिक्सर में डाल के चीनी को पीस लिया है। मैंने इस तरह के कप का यूज किया है, आप चाहे तो किसी कटोरी से भी इसका मेजर कर सकते हैं। और एक कप डालेंगे हम दूध। अब डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच नींबू का रस। दूध और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से दूध के साथ घुल जाए। ये देखिए हमारी सारी जो चीनी डाली है हमने अच्छे से घुल गई है। अब इसी कप से डालेंगे हम आधा कप रिफाइंड ऑयल। इसको भी थोड़ा मिक्स कर देंगे हम। अब ये मैंने आधा कप ले लिया है कस्टर्ड पाउडर। इसको भी थोड़ा मिक्स कर देंगे हम। अब डालेंगे हम इसमें दो कप मैदा। तो मैदा को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इन सारी चीजों को मैंने छान कर पहले ही रख लिया था। एकदम से डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह का बैटर ही हमें चाहिए। तो ये एकदम परफेक्ट बन गया है बैटर हमारा। अब डालेंगे हम इसमें दो तीन बूंद वनीला एसेंस की। तो अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं हो तो हमने इसमें जो कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है ना, उससे भी इसमें अच्छी खुशबू आ जाएगी। वो ये मैंने ले ली है टूटी फूटी, उस पर डालेंगे हम जो हमने मैदा बचाया था वो थोड़ा सा, और अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देंगे। टूटी फूटी भी हम इसमें डाल देंगे और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम बेकिंग सोडा। और इसको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। और ये मैंने इडली स्टैंड ले लिया है, इस पर मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था। अब थोड़ा सा हम इस पर मैदा डाल के इसकी डस्टिंग कर लेंगे। अब सारे में हम बैटर को डाल देंगे। अब हमने इडली स्टैंड को 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से हीट हो गया है। मैंने इसमें एक कप नीचे नमक बिछा दिया है। अब हम इसमें ये स्टैंड को रख देंगे, ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी टूटी सूटी। और अब हम इसको बंद करके 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम करके तकरीबन 12 से 15 मिनट पका लेंगे। ये 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं हमारे केक। और ये देखिए अच्छे से बेक हो गए। अब हम इन्हें इसी में ठंडा होने देंगे। ये देखिए इन्हें निकालना भी कितना आसान है, कितने अच्छे बन के तैयार हुए। नीचे से भी इनमें अच्छा कलर आ गया है, कितने अच्छे फूल गए हैं। तो ये देखिए बन के तैयार है हमारे इडली स्टैंड में केक। और ये कितने अच्छे बन के तैयार हुए। और ये जो नीचे वाले थे ना, ये हल्का सा डार्क कलर हो गया है इनका। देखिए इनमें अंदर से भी कितना अच्छा जाली आई है, ये अच्छे से फूल गए हैं और एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट बने हमारे केक।